हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में कहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। पहले तो जो आपको स्टेटमेंट गिवन है उसको रीड करके आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद अब हम उनको सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट जो पार्ट है वो है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो एक फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल आ जाती है, 1 के इक्वल आ जाती है। इट बिकम्स 1/2 और वो 1/2 के इक्वल हो जाती है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर ओनली हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन में पूछा हमें फ्रैक्शन क्या है। मैंने बताया हुआ जो चीज आपसे पूछते हैं उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखिए, हमसे कहा है कि फ्रैक्शन बताइए, तो हमने फ्रैक्शन को ही लेट कर लिया कि हमारी फ्रैक्शन है वो एक्स अपॉन में वाई है। एक्स इज द न्यूमरेटर एंड वाई इज द डिनोमिनेटर। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट कंडीशन है वो आपको कहा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी फ्रैक्शन 1 हो जाती है। अब 1 का डिनोमिनेटर आपको नहीं गिवन है तो क्या लेंगे हम, 1 लेंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। वाई को आप आगे शिफ्ट करेंगे तो प्लस है तो आगे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। और प्लस 1 जो आगे है उसको पीछे शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस 1। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो मैंने यहां पे एक्सप्लेन की हुई है, पहले बुक में से देखते हैं सेकंड कंडीशन में क्या कहा है। इसमें कहा है, इफ इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाती है इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करें और डिनोमिनेटर में ओनली 1 को ऐड करते हैं तो जो फ्रैक्शन है किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2। तो इस फ्रैक्शन को हम 1/2 के इक्वल रखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस में 1। वाई को आप आगे शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। एक हमारे पास आ गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और दूसरी हमारे पास आ गई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एलिमिनेशन मेथड में कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एलिमिनेशन मेथड में हम कोफिशियंट को इक्वल करते हैं किसी भी एक वेरिएबल के। यहां पे जो x के कोफिशियंट है वो सेम नहीं है, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशियंट 1 है और सेकेंड में 2 है। लेकिन y के कोफिशियंट दोनों में 1-1 है तो कोफिशियंट ऑलरेडी आपके सेम है, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों ही इक्वेशन में जो y की कोफिशियंट की वैल्यू है वो नेगेटिव है, लेकिन हमें चाहिए होता है कि वो अपोजिट साइन आने चाहिए। सेम साइन में अगर आप ऐड करते हो तो वो कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन हमें एलिमिनेशन मेथड में 1 वेरिएबल को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। अपोजिट साइन के लिए आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना है तो आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। अगर हमें साइन को चेंज नहीं करना तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर आपको ऑलरेडी ही अपोजिट साइन गिवन होते हैं, वाई में एक इक्वेशन में प्लस का साइन होता, एक में माइनस होता, ऑलरेडी अपोजिट साइन थे, अगर आप ऐड करते तो दोनों क्या हो जाते, कैंसिल। लेकिन दोनों में जब सेम साइन हो तो हम क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से जो नीचे इक्वेशन है उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। प्लस 2x क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस वाई क्या हो जाएगा, प्लस। और जो प्लस 1 था वो क्या हो जाएगा, माइनस 1।
जो भी प्लस का साइन है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस का जो साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो जब अब सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, एक्स में से माइनस टू एक्स को माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो आपके पास माइनस एक्स बचेगा। माइनस टू और माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस थ्री, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल और आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, थ्री। अब जो एक्स की वैल्यू आपके पास आई है उसको चाहे आप इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए चाहे इक्वेशन टू में पुट कर दीजिए। देखो हमारे पास इक्वेशन वन जो है वो है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, दिस इक्वेशन। अब आप उसको इस इक्वेशन में पुट कर दिए एक्स की वैल्यू थ्री, तो जब थ्री को आपने इधर शिफ्ट किया तो वो माइनस थ्री हो गया। माइनस टू और माइनस थ्री माइनस फाइव होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ गई है, फाइव। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, थ्री। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, फाइव। हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या थी, एक्स अपॉन में वाई। वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रैक्शन में एक्स एंड वाई की, तो हमारी फ्रैक्शन आ गई है थ्री अपॉन में फाइव। अच्छा आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। कैसे करेंगे वेरिफिकेशन, जो क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन है वो कंडीशन को अप्लाई करके देखिए। जैसे कहा है इफ वी एड वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन रिड्यूस होके वन होनी चाहिए। अब वन एड कर दीजिए न्यूमरेटर में तो थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा, फोर। वन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए डिनोमिनेटर में से तो फाइव माइनस वन क्या हो गया, फोर। तो कहा था फ्रैक्शन वन रिड्यूस होती है, फोर बाई फोर, फोर से फोर कैंसिल होके क्या आ गई है, वन। सेकेंड कंडीशन ये थी, ये वन बाई टू बन जाते, इट बिकम्स वन बाई टू इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर। अगर ओनली डिनोमिनेटर में वन एड किया तो ये वन बाई टू हो जाएगी। कैसे, डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, फाइव। वन एड किया तो क्या हो जाएगा, सिक्स। अब थ्री बाई सिक्स को थ्री से कैंसिल किया तो क्या आ गया, वन बाई टू। इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। अब सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं जो एज पर बेस्ड है। क्या है क्वेश्चन, फाइव इयर्स एगो, आज से पांच साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज से थ्री टाइम्स थी, थ्राइस का थ्राइस मीन्स थ्री टाइम्स। टेन इयर्स लेटर, लेकिन आज से टेन इयर्स के बाद में नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। लेकिन आज से टेन इयर्स के बाद जो नूरी की एज होगी वो सोनू की एज की कितनी होगी, डबल होगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसी टाइप के सेम क्वेश्चंस हमसे पूछा है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू मींस उनकी प्रेजेंट एज पूछी है, तो हम पहले उनको सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू आर एक्स एंड वाई ईयर्स रेस्पेक्टिवली। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज एक्स ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज वाई ईयर्स। अब क्वेश्चन में जो